लेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बाद जो उसके कंटिन्यूएशन में एक और चैप्टर आता है एसी सर्किट्स आज इस चैप्टर से हम लोग शुरू कर रहे हैं सो दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट लेक्चर और दिस न्यू यूनिट और दिस न्यू चैप्टर एसी सर्किट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग यूनिट है आई से चैप्टर है, जो इन माई ओपिनियन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ही हिस्सा है एक्चुअली अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी सर्किट को कंबाइन करके एक बड़ा यूनिट बना दिया जाए तो भी चलेगा कोई प्रॉब्लम अठावे वर थोड़ा सा बाईफर्गेशन रखा गया है आपको याद होगा कि जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इस चैप्टर में इंड्यूसएमएफ के बारे में कुछ डिस्कशन कर रहे थे तो हमने कंसेप्ट ऑफ जनरेटर इस पर कुछ डिस्कशन किया था जस्ट टू बी वेरी प्रिसाइस इन वट आई एम से हमने कुछ इस तरीके का एक कंसेप्ट देखा था जिसमें हम कॉइल रोटेट कराते हैं मैग्नेटिक फील्ड में एंड बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ दट कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड हम देखते हैं उसमें फ्लक्स लगातार चेंज होता रहता है और उस फ्लक्स के चेंज होने पर हमें इंडियूसडीएमएफ मिलता है जो बहुत ही सिंपल तरीके से हम मैथमेटिकल इक्वेशन के जरिए कुछ ऐसा मेंशन करते हैं ई इज इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी इन विच ये जो ई जीरो फैक्टर है ये इसका मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है दैट इज एन ए बी ओमेगा कभी कभी हम इसे पीक वैल्यू भी कहते हैं सो एनी हाउ हमें पता ये चला कि इस तरीके का अगर हम अरेंजमेंट कहीं कर लेते हैं जहां पर हम फ्लक्स को इन कंटिन्यूटी चेंज करते जाए और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से हमें एक न्यूज ई एम एफ मिले तो वो इस तरीके का एक साइनोसाइडल फॉर्म में हमें मिलता है जिसे हम कहते हैं अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ डीएमएफ अब अल्टरनेटिंग क्यों कहते हैं इसके रीजंस में पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जो लास्ट कपल ऑफ लेक्चर है उसमें ये सारा डिस्कशन अपना हो चुका है जस्ट टू गिव अ वेरी ब्रीफ अजन हम ये कहेंगे कि इसमें लगातार जो वैल्यूज हैं ई uh, एम की वो फ्लक्चुएट करती रहती हैं और एक वेव फॉर्म अगर हम इसका बनाए तो वी कैन जस्ट रिप्रेजेंट द वेव नेचर वी कैन जस्ट रिप्रेजेंट दिस ई एम एफ बाई दिस काइंड ऑफ वेव एक साइनोसिडल वेव के जरिए हम इसको बता सकते हैं जिसमें इसका मैक्सिमम वैल्यू हम क्लेम करेंगे और वो भी आप देखें, वो फ्लक्चुएट होता है प्लस और माइनस के बीच में और ये वेव चलती रहती है अब इस तरीके के ईएमएफ को हम एक अल्टरनेटिंग सोर्स या अल्टरनेटिंग ईएमएफ या आसान जुमले में कहें तो हम एसी कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट सोर्स या अल्टरनेटिंग ईएमएफ सोर्स ऑन द जो डायरेक्ट करंट सोर्सेस होते हैं या डायरेक्ट वोल्टेज के जो सोर्सेस होते हैं इसमें क्या होता है कि हमको एक फिक्स वैल्यू से वोल्टेज मिलता है जैसे कि ये मान लेते हैं कुछ डायरेक्ट वैल्यू ऑफ वोल्टेज हमको मिल रहा है वी जो कि फिक्स है कांस्टेंट है इसमें कोई फ्लक्चुएशन कोई वेरिएशन नहीं आते हैं तो हम इस तरीके के सर्किट को या इस तरीके की पावर सोर्स को कॉल करते हैं डीसी और ऐसा अगर ये फ्लक्चुएट करने लग जाता है तो हम इसे कॉल करते हैं एसी सी रिप्रेजेंटेशन वाइज भी अगर मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी बातें कर रहा हूँ मैं ये सारी ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सीखी है तो, के से जब हम कहें, तो एक डीसी के सेल को हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं दो टर्मिनल्स दिखा देते हैं एक पॉजिटिव का और एक नेगेटिव का जबकि एसी की पावर सोर्स को या एसी के सेल को हम पोलैरिटी वाइज दिखा नहीं सकते तो हम कुछ इस तरीके का सिंबल बनाते हैं इसमें कोई पोलैरिटी फिक्स है ही नहीं क्योंकि हर अगले इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो है ये लगातार फ्लक्चुएट कर रहा है इसकी वैल्यू भी कॉन्स्टेंट नहीं है तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है हम कुछ यूं करते हैं और हम चाहें तो इसके नीचे यूं लिख सकते हैं कि ये ए का एक पावर सोर्स है ए सी का ई का करंट सोर्स है या ए सी का अच्छा ये जो साइनोसिडल फॉर्म हमें मिल रहा है ये जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हमको मिले ओके okay, कभी कभी हम ऐसा भी देखेंगे कि जो सप्लाई uh, हमको मिल रहा है वो कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किया जाए तो बेसिकली ये कॉस फंक्शन है जो जीरो पर मैक्सिमम है और यहां जो बताया गया है ये वाला जो है ना ये एक साइन है, जो जीरो पर जीरो है। तो हमें इस तरीके का एसी सोर्स भी मिल सकता है अच्छा ये भी जरूरी नहीं है कि ये साइन और कॉस ही हो हमें कुछ इस तरीके का वेरिएशन भी मिल सकता है जैसे इसे ध्यान से देखें ये यू इंक्रीज होता है फिर उसके बाद फिर यो इंक्रीज होता है फिर उसके बाद लगातार ये फिर यूं इंक्रीज होता है तो इसे हम कहते हैं सॉटूथ वे फॉर्म सॉटूथ जैसे वो आरी होती है ना काटने की लकड़ी काटने की आरी तो वैसे ये भी एक अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ई हो सकता है अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ करंट हो सकता है इन सब में कॉमन चीज ये है कि ई या करंट की वैल्यू टाइम के साथ लगातार फ्लक्चुएट करती रहती है और ऐसा क्यों होता है इसका रीजन हम जानते हैं हमने फ्लक्स को चेंज किया अब टाइम के साथ लगातार flux change हो रहा है तो flux के बढ़ने, और और उसके increase decrease होने की कंटिन्यूटी में जो ईएमएफ इंड्यूस होते जा रहे हैं वो भी वेरिएबल नहीं आ रहे हैं फिक्स वैल्यूज के साथ नहीं आ रहे हैं सो वी आइडियाज अच्छा ये जो ई एम एफ हमको यहाँ मिल रहा है ना इसके रिस्पॉन्स में हम एक करंट भी ऑफ कर सकते हैं लाइक इज इक्वल टू आई जीरो साइन ऑफ

हमें बहुत सारा डिस्कशन अभी करना है एक्चुअली कि किसी पर्टिकुलर सर्किट में ईएमएफ और करंट के कैलकुलेशंस कैसे किए जाते इस मोमेंट पर इस पॉइंट पर तो मैं आपको इसकी एक जनरल बैकग्राउंड बता रहा हूं कि हम डायरेक्ट सोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे जो भी हमारा डिस्कशन होगा जो भी हमारी इक्वेशन बनेंगी जो भी कैलकुलेशन हमें करनी होंगी वो सारी की सारी हम अल्टरनेटिंग लेवल पर करेंगे एंड रीजन फॉर दोशन आर दिएशन इन द मैग्नेट्यूड ऑफ ठीक है, है। so, देखा अब अब okay. अब हमें हमें चैप्टर के साथ शुरू करना करना चाहिए, I mean, इसके डिटेल डिस्कशन को कंटिन्यू तो बच्चों, दो इक्वेशन आप अपने में बिठाएं कि हमको एक ईएमएफ की इक्वेशन मिलती है साइन ऑफ ओमेगा टीवर ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ दिसल और इसके साथ साथ हमको करंट की एक इक्वेशन मिल सकती है आई इज इक्वल टू आई जीरो साइन ऑफ मेगा ठीक मैं अडिशनली यहां पे ये बस लिख के रखता हूं अब इस पर हम लोग बेसिकली बाद में बात करेंगे कि एक एक्स्ट्रा फेज यहां पे आ सकता है वो भी लीडिंग या लैगिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है इस पर हम बाद में बात करेंगे बेसिकली मैं बस इस फंक्शन को आपको समझने के लिए कह रहा हूं कि करंट uh, का भी ऐसा फंक्शन आएगा ठीक है अच्छा ये साइन या कॉस दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये दोनों फ्लक्चुएट करेंगे बस ये आपने जहन में रखना है ओके okay? ठीक हो गई बात yes. अब जब हम इस चैप्टर में आगे डिटेल डिस्कशन करेंगे तो इस तरीके के ईएमएफ और करंट के लिए हमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज ध्यान में रखनी है तो आज के लेक्चर में मैं बस कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज के बारे में ही बात करूंगा और कुछ न्यूमरिकल्स देखेंगे जो कि बस इन्हीं तरीके की इक्वेश पर डिजाइन की गई होगी क्योंकि हमें इससे रिलेटेड सर्किट्स को समझना है जैसे कि हमने एक अल्टरनेटिंग जो सोर्स है उसके साथ रेजिस्टेंस को लगा दिया या कैपेसिटर्स को कनेक्ट कर दिया इसमें या इंडक्टर को कनेक्ट कर दिया इसमें तो हाउ द रिस्पॉन्स आर गोइंग टू बी डेवलप्ड ये कंपोनेंट्स जो हैं एसी के साथ कैसे काम करेंगे क्या उनके आउटपुट्स होंगे ओके okay. क्या वो अच्छे तरीके से सिंक्रोनाइज हो पाएंगे साथ में चाल काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे तो ये सारा कुछ इस चैप्टर में आने वाला है बट बिफोर दैट इफ यू रियली वॉन्ट टू गो इन टू दैट डिटेल हमें ये भी तो समझना होगा ना कि जो पावर सप्लाईज हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें आने वाली इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज क्या क्या है तो बच्चों सबसे पहली जो टर्मिनोलॉजी है वो है पीक वैल्यू चार पांच टर्मिनोलॉजी आपके सामने आएंगी और हम अच्छा मैथमेटिकल इवैल्यूएशन इसका करेंगे तो बेटा सबसे पहली जो टर्मिनोलॉजी हम इस तरीके के सीक्वेंस में यूज करते हैं ना वो है पीक वैल्यू अब देखो चाहे करंट हो चाहे ई हो क्योंकि उसमें कुछ हार्मोनिक फंक्शंस इन्वॉल्व हैं तो वो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जीरो होंगे और किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर वो मैक्सिमम हो जाएंगे अब उनकी मैक्सिमम जो वैल्यू हो सकती है वो होगी चाहे साइन हो हो कॉस यू टू तो ज़्यादा मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ थ्रू आउट दैट पर्टिकुलर फ्लक्चुएशन थ्रू आउट दैट पर्टिकुलर अल्टरनेशन दैट थिंग इज गोइंग टू कॉल्ड एज द पीक और ऑन कंसेप्चुअल बेसिस ये डिपेंड करती है एन ए बी ओमेगा oh. सीधे सीधे रिलेट करेंगे उसको रोटेशन ऑफ द कॉइल से नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल एरिया ऑफ द कॉइल मैग्नेटिक फील्ड जहां पे हम रोटेशन करा रहे हैं ओमेगा कॉइल के रोटेशन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी दैट्स इट सो एज हम करंट के लिए लिख सकते हैं अब क्वेश्चन आता है कि करंट के लिए हम पीक वैल्यू कैसे लिखेंगे बेटा बहुत सिंपल है ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे ई जीरो डिवाइडेड बाय आर बस बिल्कुल सीधा-सीधा अगर हम रेजिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर करना चाहते हैं तो E0 डिवाइडेड बाय R यानी कि इस इस सिचुएशन में हम लिखेंगे NAB ओमेगा डिवाइडेड बाय R अगर हम सिर्फ यहां रेजिस्टेंस का पॉइंट कंसिडर करना चाहते हैं तो मैं ऐसे लिख सकते हैं सो पीक वैल्यू ये पूरी फिजिकल पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है जनरेटर के कि जनरेटर कैसा है अब आइए आगे आते हैं सेकंड टर्म देखते हैं इसका सेकेंड टर्म बच्चों इसमें है एवरेज वैल्यू अब एवरेज वैल्यू को मैंने दो कैटेगरीज में बांटा है एक को तो मैंने बोल दिया एवरेज वैल्यू इन वन फुल साइकिल साइकिल एक पूरी में एवरेज वैल्यू हमें निकालना है तो यहां मैथमेटिकल अप्रोच में काम करना पड़ेगा बच्चों अब मैथमेटिकली हमें यह समझना होगा कि हम एवरेज किस चीज का निकालें तो इस इक्वेशन की तरफ जरा ध्यान दो एक तो ईजीरो है जो कि अपने आप में कांस्टेंट है अब बचा कौन ये साइन तो हमें जो एवरेज निकालना है वो साइन फंक्शन का निकालना है तो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द एवरेज वैल्यू ऑफ दैट साइन फंक्शन लेट मी राइट हियर थीटा तो थीटा के हिसाब से तो इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन डी थीटा फुल साइकिल मतलब जीरो से लेके टू पाई जीरो से लेके टू पाई समझे बच्चों अब yes. जो स्टूडेंट्स मैथ्स के साथ काफी फेमिलियरिटी रखते हैं उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है एवरेज निकालने का ये बिल्कुल स्टैंडर्ड तरीका है ओके अब थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस थीटा कहां से चलेंगे जीरो से लेकर टू पाई डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा थीटा और इसके लिए भी लिमिट लगाएंगे जीरो से टू पाई तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट मिलने जा रहा है ध्यान से देखें तो अपर लिमिट लिखेंगे बेटा हम यहाँ पे माइनस कॉस ऑफ टू पाई माइनस माइनस प्लस हो गया कॉस ऑफ जीरो डिवाइडेड बाय यहां अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये हो जाएगा टू पाई अब ध्यान से देखें कॉस ऑफ टू पाई ये होता है वन तो फिलहाल ये हो गया माइनस वन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू पाई यानी कि आंसर क्या हो गया जीरो ठीक है बच्चों yeah. तो कंक्लूजन क्या निकला कंक्लूजन ये निकला कि किसी भी अल्टरनेटिंग ईएमएफ में एसी में चाहे करंट हो चाहे ईएमएफ हो किसी भी तरीके का हो एक फुल साइकिल का जब हम एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो वो आंसर आएगा जीरो बस कोई सेकंड ओपिनियन कोई सेकंड थॉट कोई सेकंड कंडीशन बनाने की जरूरत ही नहीं है यहां पर तो फुल साइकिल एवरेज इज ऑलवेज जीरो ठीक है फुल साइकिल एवरेज जब भी निकालेंगे हम तो वो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा अब आते हैं इसकी सेकंड पॉइंट कि भाई हाफ साइकिल एवरेज कितना है जैसे मैंने कहा कि मैंने एवरेज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो अब हाफ साइकिल एवरेज निकालना है अब आप जानते हैं कि एवरेज जब हम करंट का या ईएमएफ का निकालने जाएं तो उसमें ई0 या आई0 टर्म ये तो कांस्टेंट है मैथमेटिकल एवरेज सिर्फ इस फंक्शन का निकालना होगा ना यस नो तो अब इस बार फिर फिर हम साइन का एवरेज निकालेंगे ये एवरेज निकालने का मैथमेटिकल तरीका है ये हो गया बेटा इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय फिर एक बार इंटीग्रेशन डी थीटा चूंकि इस बार हम हाफ साइकिल का निकाल रहे हैं इसलिए लिमिट लगेगी जीरो से पाई जीरो से पाई फुल साइकिल तो टू तो पाई तक जाती है यू नो वेरी वेल दिस तो इस बार हाफ साइकिल मतलब जीरो से पाई तक जाएंगे अब कंटिन्यू करें इसे तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन फिर एक बार उसी अंदाज से यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस थीटा लिमिट्स जीरो से पाई और फिर एक बार ये हो जाएगा थीटा लिमिट्स हो जाएंगी जीरो से पाई अब जरा इसे सॉल्व करें तो ये होगा बेटा माइनस कॉस ऑफ पाई माइनस माइनस प्लस कॉस ऑफ जीरोड बाजी दिस विल बीस वन प्लस वन डिवाइडेड बाय पाई यानी कि आंसर क्या आया टू बाय पाई टू बाय पाई तो पता चला कि साइन फंक्शन का जो एवरेज वैल्यू है मीन वैल्यू आ रहा है वो टू बाई पाई आ रहा है तो अब इस ई को जरा ध्यान से देखें यहां पे तो इसका एवरेज कितना आ गया टू बाई पाई टू बाई पाई तो e की एवरेज वैल्यू बच्चों जब हम लिखेंगे ठीक है जिसे हम लिख सकते हैं e एवरेज या लिख सकते हैं e मीन तो 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 बेटा वो वो हो हो जाएगा e0 e0 का करेंगे गया e अब ये एक value है इसमें कभी कोई वेरिएशन नहीं आएगा पक्का याद रख लें इसको अच्छे से याद रख लें इतना ही एवरेज होगा चाहे जो करना है कर लेट बाई पाई का फैक्टर अगर हम यहाँ पे कर लेते हैं तो ये इन अप्रोक्शन हो जाता है टाइम्स ऑफ ना बेटा तो ये तो पीक वैल्यू होता है तो एवरेज वैल्यू कितना है तो आंसर है सिक्सटी थ्री परसेंट ऑफ द पीक वैल्यू पॉइंट सिक्सटी थ्री को जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो बी सिक्सटी थ्री परसेंट तो हाफ साइकल एवरेज इज 63 परसेंट ऑफ व पीक इज़ सो एज वी कैन राइट इट फॉर करंट इसी तरीके से हम करंट के लिए भी लिख सकते हैं करंट का एवरेज वैल्यू हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ करंट की पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय फाइव या करंट की एवरेज वैल्यू हम लिख पाएंगे जीरो पॉइंट सिक्सटी थ्री टाइम्स ऑफ ओके अब मेरा क्या कहना है कि ये चीजें एक बार जब हमें पता चल जाती हैं तो आपने इनको अच्छे से याद रख लेना है तो फुल साइकिल जीरो हो गया हाफ साइकिल इतना हुआ इट राइट right. और पीक वैल्यू अपने आप में इनिशियल कंडीशंस ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल के बिना पे एन ए बी ओमेगा हो जाता है अब एक और चीज यहाँ पे आती है इसे इसे थोड़ा सा आपने अच्छे से फील करना है मतलब समझना है इसको कि पीक वैल्यू इतनी है हाँ, एवरेज वैल्यू फॉर फुल साइकिल जीरो है एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल वो टू बाई पाई वाला फैक्टर आता है तो फिर ये क्या है इसे क्या कहेंगे इस पूरी इक्वेशन के हिसाब से जो वैल्यू बन रही है ना इसको क्या बोले तो बच्चों ये जो वैल्यू बनती है जो टाइम डिपेंडेंट है इसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या बोलेंगे इसको

एवरेज वैल्यू फॉर द हाफ साइकिल बोले तो ये भी अपने आप में कांस्टेंट है आपने बोलना है ऑफ ऑफ या टाइम्स अब इन सब के उपर, इन सब के ऊपर इन से और बेहतर जिसको मैं कहता हूं एक और वैल्यू आती है जिसका नाम है आर एम एस वैल्यू या हम इसे कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ये कंसेप्चुअल फंडा है ऐसे जस्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे हम इसको बेस नहीं करेंगे इसके लिए पहले कुछ कंसेप्ट हमको क्लियर करने पड़ेंगे कि ये है क्या और इसकी क्यों जरूरत पड़ी देखो इसमें काफी कुछ वेरिएशन है जैसे अगर मैं जीरो के बारे में बोलूं तो ये तो मैक्सिमम हो गई ना एवरेज फॉर फुल साइकिल बोलू तो एकदम से जीरो बोल रहे हो आप और एवरेज फॉर हाफ साइकिल बोले अच्छा कोई भी हाफ पॉजिटिव हाफ ले लो या नेगेटिव हाफ ले लो इससे कोई टेंशन नहीं ठीक है ना फॉर एनी हाफ साइकिल नहीं तो हमारे मन में आएगा कि पॉजिटिव हाफ का अलग है हाफ का अलग ऐसा नहीं कोई भी हाफ साइकिल ले लो आप चाहे आप ये वाली हाफ ऊपर वाली ले लो या नीचे वाली हाफ ले लो फॉर बोथ ऑफ देम द एवरेज वैल्यू इज गोइंग टू बी सेम दैट इज सिक्सेंट ऑफ द पीक वैल्यू तो आपको ऐसा नहीं लगता कि हम किसी कंक्लूडिंग वैल्यू तक पहुंचे ही नहीं कोई कंक्लूडिंग नंबर हम प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि भाई ये एसी है कितना एसी का वैल्यू कितना है एक्चुअली है कितना

एक ऐसा फिगर एक ऐसी वैल्यू एक ऐसा नंबर जो हमें एसी सप्लाई को रिप्रेजेंट करने के लिए एसी सप्लाई को बताने के लिए या एसी सप्लाई की एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड को बताने के लिए अब तक हमको नहीं मिला इनमें तो नहीं मिला हमको एवरेज फॉर हाफ एवरेज फॉर फुल और पीक ये वो वो वैल्यूज नहीं है जो हम एसी के लिए रिप्रेजेंट करें अब जैसे देखें हमारे घर में या हमारे यहाँ तो में जो इलेक्ट्रिसिटी चलती है इसमें हम कहते हैं ना टू थर्टी वोल्ट तो क्या है ये टू थर्टी वोल्ट क्या है ये क्या ये पीक है क्या ये एवरेज है एवरेज फुल साइकिल तो हुआ ही नहीं टू थर्टी वो तो जीरो होना चाहिए अगर देखा जाए तो फुल साइकिल के हिसाब से तो क्या ये हाफ एवरेज है यह है क्या आप किसी लाइट के फैन पे लिखा हुआ है मान लो पंखे पे कि भाई टू थर्टी वोल्ट फाइव एमपी फिफ्टी एम पी वट करंट उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है तो ये करंट या वोल्टेज की कौन सी पीक पीक है अगर आप के बारे में बोल रहे हो वाकई अगर ये पीक है तो फिर मेरे ओपिनियन में तो हम यहां गलती कर रहे हैं क्योंकि पीक तो जस्ट एक मोमेंट तक आएगा फिर बाद में वो निकल गया और एवरेज में भी अगर हम बात करें तब भी हम गलती कर रहे हैं क्योंकि हाफ एवरेज आ रहा है और फुल एवरेज जीरो बहरहाल ये सारा जो मैं दो चार मिनट से बात कर रहा हूं आपके सामने इसका मेरा मकसद सिर्फ ये है इसका इंटेंशन सिर्फ ये है कि हमें एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू चाहिए एसी की वो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू जो हम बता सकेंगे भाई हम लमसम में इतना इनपुट आपको दे रहे हैं इतना हम सप्लाई आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इतना ई आपको दे रहे हैं इतना करंट आपको दे रहे हैं और ऐसा हो जो कन्विंसिंग लेवल पर आए जिसमें कोई गलती ना हो तो वो जो है वो है आर अब सवाल ये पैदा होता है कि इस आरएमएस को हम निकालें कैसे इसके लिए कौन सा इक्वी करें कौन सी कंडीशन इसके लिए इस्तेमाल करें तो बच्चों यहां पर हम पावर का रेफरेंस करते हैं पावर को रेफर करते हैं ठीक है ना एक कंसेप्ट होता है बड़े ध्यान से सुनना काफी इंटरेस्टिंग कहानी है तो हमें पावर को रेफर करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे मैं एक एग्जांपल के जरिए समझा रहा हूं हम एक स्लैब ले लेंगे मान लो जिसमें से हमें करंट फ्लो कराना है अब इसमें हम करंट फ्लो कराने लग जाएंगे कैसा करंट एसी करंट नो ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट हम ये जानते हैं कि कुछ हीटिंग इफेक्ट डेवलप होते हैं ठीक है ये जानते हैं ना जूल हीटिंग जिसको हम बोलते हैं yes. तो करंट के फ्लो कराने की वजह से ना ये जो भी मटेरियल जो भी आपने मटेरियल या जो भी अरेंजमेंट आपने यहाँ पे किया होगा इसमें हीटिंग इफेक्ट आएंगे अब बच्चों ये जो हीटिंग इफेक्ट है लेट से कि हमारे फ्लो किए गए करंट की वजह से इसमें क्यू अमाउंट की हीट आ जाती है कुछ 50 जूल 30 जूल वट सर्टन अमाउंट ऑफ हीट इसके अंदर डेवलप हो जाती है अब आपको पता है कि जो हीट है इसको हम लिख सकते हैं करंट का स्क्वायर इंटू आर इंटू टी रेजिस्टेंस टाइम और जो भी एसी करंट इसमें जा रहा होगा उसका स्क्वायर समझे बात को अब ऑब्वियस बात है बेटा इसमें जो करंट जा रहा होगा ना वो तो फ्लक्चुएट करेगा ना बिकॉज हम एसी सप्लाई जोड़ रहे हैं तो फ्लक्चुएट करेगा बेहाल फ्लक्चुएट करता गया कम ज्यादा होता गया होता गया होता गया सर्टन अमाउंट ऑफ हीट तक ये पहुंचा और सर्टन टाइम में किसी एक पर्टिकुलर टाइम में हमने उतने हीट को डेवलप करा लिया अब गौर करने वाली बात है हम एग्जैक्टली वैसा ही स्लैब लेंगे एग्जैक्टली वैसा ही लेकिन इस बार इसमें हम एसी के बजाय फ्लो कराएंगे डीसी डायरेक्ट करंट कांस्टेंट वैल्यू करंट यूनिफॉर्म करंट जैसे कि एक बैटरी या सेल से आता है ठीक है फ्लक्चुएट नहीं होता है जिसमें पोलैरिटी होती है जिसका पॉजिटिव नेगेटिव डिफाइंड है तो अब इसमें हम करंट फ्लो कराएंगे अब बेटा इसमें करंट फ्लो कराएंगे तो इसमें भी तो हीट आएगी hmm. अब हम दो चीजें सेम करेंगे दो क्या इनफैक्ट तीन चीजें सबसे पहली बात तो मैं इसका रेजिस्टेंस उतना ही रख लूंगा जितना होना चाहिए टाइम भी मैं उतना ही रखूंगा जितना होना चाहिए और इंपॉर्टेंट चीज मैं उतनी ही हीट इसमें डेवलप कराऊंगा जितनी एसी की वजह से आई है ठीक है तो मैंने हीट सेम कर दी रेजिस्टेंस सेम कर दिया और क्या सेम किया मैंने आए। आए। आप बताओ क्या करंट सेम करना पड़ेगा नहीं करंट तो अलग अलग चलेगा यहां वाला करंट एसी वाला करंट कैसा था फ्लक्चुएटिंग हाँ। और ये वाला करंट कैसा है कॉन्स्टेंट ये लगातार कांस्टेंट रेट से हीट करेगा और यह थोड़ा कम ज्यादा होता जाएगा तो अब लगातार कांस्टेंट रेट से हीट करते हुए उतना ही हीट डेवलप करना है जितना इस एसी के लिए डेवलप कराया गया था तो उसके लिए जो करंट मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा डायरेक्ट वैल्यू का उस करंट को मैं बोलूंगा आरएमएस करंट अब गौर करने वाली बात है ये आर एम एस करंट एक्चुअल केस में डीसी को रेफर करता हुआ या मुझे कहना चाहिए डीसी की वैल्यू का इस्तेमाल करते हुए हमने बनाया जो इक्वी वैलेंट है इस एसी के इक्वी hmm. वैलेंट ये वर्ड मैंने क्यों इस्तेमाल किया क्योंकि दोनों ने सेम काम किया है दोनों ने सेम पावर डिलीवर की सही है yes. लेकिन इसके मैग्नीट्यूड और इसके मैग्नीट्यूड में फर्क है इसका मैग्नीट्यूड अलग होगा और इसका मैग्नीट्यूड अलग होगा अब यहां पे चलो मैं बोल रहा हूं कि इस्तेमाल किया फॉर एग्जाम्पल तो इसका मैग्नीट्यूड अलग होगा और इसका मैग्नीट्यूड अलग होगा तो ये वो करंट वो डायरेक्ट वैल्यू का करंट वाइज जो उतनी हीट डेवलप ही कर सकता है जो एक पर्टिकुलर एसी वैल्यू का करंट डेवलप करे उतने ही टाइम में तो उस डायरेक्ट वैल्यू ऑफ करंट को हम इस एसी का आरएमएस बोलेंगे इस एसी का क्या बोलेंगे हम उसको आरएमएस आरएमएस और जब हम इसे मैथमेटिकली चेक करते हैं ये डेरिवेशन में अभी प्रूव करने वाला हूं तो जब हम इसे मैथमेटिकली चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि उसका मैग्नेट्यूड इतना आता है I0 जीरो बाई रूट टू ठीक है I0 जीरो बाई रूट टू और अगर हम इसे सॉल्व करें देखो बेटा तो ये हो जाएगा जीरो पॉइंट सेवन जीरो अब लेट मी एक्सप्लेन यू विद एसी को अगर मैं हंड्रेड एम्पियर यूज करता हूं फॉर सर्टन टाइम टी फॉर सर्टन रेजिस्टेंस आर एंड डेवलप सर्टन हीट क्यू तो सोच समझ के बताओ कि उस वैसा ही करने के लिए मुझे डीसी का कितना इस्तेमाल करना पड़ेगा हंड्रेड सेवेंटी पॉइंट सेवन तो ये जो सेवेंटी पॉइंट सेवन है ना जो वही काम कर रहा है जो हंड्रेड एम्पियर का एसी कर रहा है तो इस 70.7 पॉइंट सेवन को हम क्या बोलेंगे एसी का आर एम एस एसी का रूट मीन स्क्वायर बोलेंगे अच्छा आप ये कंफ्यूजन दिमाग में मत लाओ कि आर एम एस इज ए डीसी वैल्यू नो आर एम एस ए डीसी वैल्यू ऐसा नहीं है यहां पर आर एम एस डीसी कंपेरिटिव वैल्यू है सिर्फ कंपैरिजन के लिए हमने डीसी का वैल्यू इस्तेमाल किया अब अगर मैं आपसे यह पूछता हूं एसी का आरएमएस मतलब क्या तो आप क्या बोलोगे फिक्स्ड करंट की वो वैल्यू जो एसी के पीक वैल्यू के हिसाब से सेम काम करे ठीक है एक कंपैरिजन मैच कर दिया दोनों को हमने ये जहन में मत लाओ कि आरएमएस डीसी करंट होता है नो no. ये बिल्कुल गलत आप फिर इमेजिनेशन करने लग जाओगे आर एम एस होता है ऐसा नहीं है आर जस्ट एक नंबर है जस्ट एक वैल्यू है जस्ट एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है जो मैच करती है किसी सर्टन एसी के काम को किसी सर्टन एसी के पावर को किसी सर्टन एसी के जनरेटेड वर्क को अब एसी के आई जीरो से जो वर्क या पावर में डिलीवर कर सकता हूं एग्जैक्टली exactly उतनी ही पावर या वर्क मैं आर एम एस वैल्यू से डेवलप कर सकता हूं अगर मैं उसे रेट से इस्तेमाल करूं बात तो किसी इंस्टेंट ऑफ़ टाइम पर अगर मुझे करंट और वोल्टेज के स्पेसिफिकेशन करने हैं तो क्या बेटर है पीक वैल्यूज बताना बेटर है क्या आरएमएस वैल्यू बताना बेटर है rms वैल्यू ऑफ कोर्स सोचने की जरूरत ही नहीं है इसमें rms वैल्यू बताना बेटर है क्यों? क्योंकि वो कांस्टेंट वैल्यू है एक ऐसी वैल्यू जिससे मैं वही काम कर पाऊंगा जो ac के सर्टन पीक वैल्यू से कर सकता हूँ एक ऐसी वैल्यू जिससे मैं वैसा ही पावर डिलीवर कर पाऊंगा जैसा मैं सर्टन ac के पीक वैल्यू से कर सकता हूँ मैच कर पा रहे हैं ना बात को यस

लेकिन इस बार हमको जो एवरेज निकालना है वो आय का नहीं निकालना है बल्कि आई स्क्वायर का निकालना है क्योंकि जब पावर डिलीवर होगी जब हीट का कैलकुलेशन होगा तो वो तो आई स्क्वायर के हिसाब से होगा ठीक है तो हम इसे कुछ ऐसे लिखेंगे कि जो भी आय या इवन ई एम एफ है आर एम एस उसका स्क्वायर इज इक्वल टू ध्यान से देखो आई जीरो का स्क्वायर या इनफैक्ट सिर्फ आई का लिख लेते हैं चले बाद में इसका फंक्शन ले लेंगे आई का स्क्वायर डी थीटा जीरो से लेके टू पाई फुल साइकिल में डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन जीरो से लेके टू पाई फुल साइकिल में डी थीटा ठीक है नाउ दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट स्क्वायर करने पर इसका फुल साइकिल इंटीग्रेशन जीरो अच्छा -फट बाहर मतलब तो तो निकाल लेते मतलब इससे टेंशन ना हमको कैलकुलेशन में बाद में तो ये हो गया वन अपॉइंट अब इंटीग्रेशन चलाओ जीरो से लेकर टू पाई अब ये तो बताओ कि आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है आई जीरो स्क्वायर साइन <SIn2> स्क्वायर थीटा आगे चला डी थीटा इट आई जीरो का भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है ये पीक वैल्यू है तो इसको भी बाहर निकालते हैं सो दिस इज गोइंग टू बी आई आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया आई जीरो का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू पाई नाउ इंटीग्रेशन इज फ्रॉम इंटीग्रेशन चल रहा है साइंस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं वन माइनस कॉस टू थीटा ठीक है वन माइनस कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाई टू एन आगे डी थीटा गेटिंग इट दिस कैन बी रिटन लाइक दैट ऐसे लिख सकते हैं ओके okay, मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए कोई मुश्किल नहीं है बिल्कुल सिंपल सा मैथमेटिक्स चल रहा है जो नीट के लिए है स्टूडेंट्स थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगे इसमें लेकिन चला लें काम अभी इसको याद कर लें इसको तो साइंस स्क्वायर थिएटर कैन नाउ बी रिटर्न लाइक दिस अच्छा अब ये डिनोमिनेटर वाला जो टू फैक्टर है ना उसको आप पूरा बाहर ले लो इसको हटा दो यहां से और फिर जो बचा हुआ ब्रैकेट है उसको आप इंटीग्रेट करो सो इट इज गोइंग टू बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आई जीरो का स्क्वायर डिवाइडेड थीटा डी थीटा ठीक है अब यहां दो टर्म है वन और कॉस टू थीटा डी थीटा जो है वन पे भी अप्लाई होगा या कॉस टू थीटा पे भी अप्लाई होगा तो एक एक करके दोनों को इंटीग्रेट करो का स्क्वायर इज इक्वल टू आई जीरो का स्क्वायर दिस इज गोइंग टू बी टू इंटू टू पाई वन डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा इंटीग्रेशन क्या होगा साइन टू थी शाबाश लिमिट लगाए जीरो से टू पाई आप देखो जब लिमिट लगाते हैं ना इस तो अपर लिमिट आ जाएगी टू पाई साइन फोर पाई बाई टू और लोअर लिमिट आएगी जीरो साइन की वैल्यू फोर पाई पे और साइन की वैल्यू जीरो पे दोनों पे जीरो होती है मतलब साइन फंक्शन पूरा जीरो ही होगा इन लिमिट्स को सब्सटीट्यूट करने के बाद आई होप आप समझ पा रहे हैं इसमें ज्यादा मुझे लिखने की जरूरत नहीं है यस yes, बताएं जरा अगर कुछ जरूरत है तो फिर मैं लिखता हूं यस तेजी से बोले Into pi, into 2 pi. 2 pi, ये -0 ही होगा सोच के देखें प्लीज जब मैं ऑफ़ की जगह यहाँ पे टू इंटू टू पाई लिखूंगा तो साइन फोर पाई साइन फोर पाई जीरो होता है साइन जीरो साइन सिक्स पाइव ये जीरो ही हो गए

जिसे अगर आप स्क्वायर रूट करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा आई डिवाइडेड बाय रूट टू ये जो मैंने अभी अभी आपको कहा था कि ऐसे आर एम एस की वैल्यू आती है ये यह, यहां मैंने जो लिखा था या। तो यहां पे हमने इसकी डन को कह लीजिए या कह लीजिए कि पावर को कंपेयर किया एनर्जी को कंपेयर किया हमने ओके थोड़ा सा कंफ्यूजन आपके मन में हो सकता है हो कि यार आरएमएस अभी भी पूरा क्लियर नहीं हुआ तो मैं कुछ बातें अभी बताऊंगा तो आपने एकदम केयरफुली उसको सुनना है और अच्छे से दिमाग में बैठाना है देखो जब एसी की वैल्यूज को हम डिस्क्राइब करने लगते हैं तो हमारे पास पीक वैल्यू है हाफ एवरेज है फुल एवरेज है पीक वैल्यू तो भाई मैक्सिमम वैल्यू होती है हालांकि जो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हैं वो लगातार फ्लक्चुएट कर रही होंगी हाफ एवरेज है टू पाई ऑफ पीक वैल्यू लेकिन वो तो सिर्फ हाफ साइकिल के लिए है फुल साइकिल के लिए नहीं है और फुल साइकिल का जब हम हम एवरेज निकालते हैं तो वो हैं। तो वो जीरो हो जाता है थोड़ा सा परेशानी में आ जाते हैं कि जब हम किसी सर्किट को स्पेसिफाई करना चाहते हैं किसी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस को स्पेसिफाई करना चाहते हैं किसी पावर लाइन में एसी सर्किट्स की वैल्यूज को स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो हम करंट या वोल्टेज की कौन सी वैल्यू को बताएं अगर हम पीक बता रहे हैं तो हम थोड़ा सा ना इंसाफी कर रहे हैं क्योंकि पीक आने के बाद बाद में जीरो और वो सब भी तो हो रहा है तो हम एग्जैक्ट नहीं बता रहे हैं फुल साइकिल एवरेज तो हम बता ही नहीं सकते वो तो जीरो ही है और हाफ साइकिल वैल्यू अगर हम बताने लग जाए तब भी हम थोड़ा सा बात अधूरी रख रहे हैं छुपा रहे हैं चीजों को तो हमें एक ऐसी वैल्यू स्पेसिफिकेशन के लिए चाहिए जो हमारी एसी की पूरी साइकिल को रिप्रेजेंटेशन दे दे एसी के पूरे जो उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज का जो एक फ्लो है उसको एक रिप्रेजेंटेशन दे दे तो हमने क्या किया हमने एक स्लैब में से कुछ करंट पास किया और कुछ हीट डेवलप कर ली इंस्टेंटेनियस करंट यहां पे लगातार चल रहा होगा हालांकि मैं पीक लिखा हूं आपको समझाने के लिए मैंने पीक लिखा बेसिकली हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू इसमें से हम फ्लो कराएंगे और कुछ हीट डेवलप कराएंगे कुछ सर्टन टाइम तक अब हम देखेंगे कि भाई कितना करंट हमको इसमें से देना पड़ा टोटल कितना करंट गया उसकी एक पीक वैल्यू हमने यहाँ पे नोट की कि भाई इतनी पीक वैल्यू का करंट इतनी देर तक लगातार हमको फ्लो कराना पड़ा तब जाकर के हमको इतना इतना हीट इसमें मिलता गया जो कि हम इंस्टेंटेनियसली लगातार इंस्टेंटेनियली फ्लो कराते गए फ्लक्चुएटिंग वैल्यूज फिर हमने क्या किया वैसा ही स्लैब लिया लेकिन उस बार हमने उसमें क्या फ्लो कराया कंटिन्यूस करंट डायरेक्ट करंट कॉन्स्टेंट वैल्यू यूनिफॉर्म वैल्यू फिक्स वैल्यू हमने फ्लो कराई कब तक फ्लो कराई सेम टाइम इसको 10 सेकंड तक करंट दिया तो इसको भी 10 सेकंड तक करंट दिया कितने रेजिस्टेंस तक सेम वैल्यू से ऑफ रेजिस्टेंस के लिए कितनी हीट डेवलप कराने के लिए तो सेम हीट डेवलप कराने के लिए लेकिन फिर हमने कंट्रोल क्या किया यहां पे हमने एक कांस्टेंट वैल्यू ऑफ करंट को बढ़ा के एक एक कांस्टेंट वैल्यू ऑफ करंट का इस्तेमाल करके हमने उतने ही टाइम में वैसी ही हीट डेवलप की जैसे एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी सोर्स हमको दे सकता है जैसे कि एसी सोर्स की वैल्यू से हमको मिलेगा तो अगर मैं आप आपसे ये सवाल करूं कि यहां फ्लो करने वाला एसी और यहां फ्लो किया गया डीसी क्या दोनों इक्वी हो गए क्योंकि दोनों ने सेम काम किया समझे नहीं समझा Hmm. तो क्यों ना इस फिक्स वैल्यू ऑफ करंट को इस एसी का आर एम एस कहा जाए रूट मीन स्क्वायर कहा जाए और जब कभी भी हमको एसी की वैल्यू को बताना है रिप्रेजेंट करना है स्पेसिफाई करना है मेंशन करना है किसी जगह पर तो ये इंस्टेंटेनियस और ये पीक और ये सारी वैल्यूज को बताने की बजाय इसकी इक्विवेलेंट आरएमएस वैल्यू को बताया जाए क्योंकि काम तो सेम करना है टाइम सेम रेजिस्टेंस सेम हीट सेम पूरा काम सेम है ना नो yeah. ठीक yes no? yeah. तो इसे हम कहते हैं वैल्यू वैल्यू रूट मीन स्क्वायर और जिसे हमने मैथमेटिकली इस तरीके से आइडेंटिफाई किया अब आपको एक क्वेश्चन यहां पे हमें करना चाहिए कि सर आपने स्क्वायर वैल्यू का एवरेज क्यों लिया तो आंसर सिंपल है बेटा जब हम हीट को डेवलप कर रहे थे तो उसमें तो स्क्वायर था ना करंट का है ना तो उसमें करंट का स्क्वायर था तो इसलिए हमने उसको स्क्वायर वैल्यू के साथ एवरेज किया एक और खास बात क्या हम आरएमएस वैल्यू निकालते वक्त हाफ साइकिल का एवरेज करें तो कुछ अलग वैल्यू आएगी क्या नहीं अगर आप हाफ वैल्यू का एवरेज करके भी ये काम करते हैं तब भी आपको एक्जैक्टली exactly वही वैल्यू मिलेगी जो मिलनी चाहिए नो no चेंज टू साइकिल्स का एवरेज करें जीरो से टू पाई के बजाय जीरो से फोर पाई तक तो क्या RMS का वैल्यू कुछ और होगा क्या नहीं आपको सेम वैल्यू मिलेगा तो यहां पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम यहां पे लिमिट्स कहां कहां से कहां तक लगा रहे हैं वैल्यू चाहे हाफ साइकिल के लिए ली जाए चाहे पॉजिटिव साइकिल के लिए लिया जाए चाहे निगेटिव साइकिल के लिए लिया जाए चाहे टू कंबाइन साइकिल के लिए लिया जाए हमेशा वो वैसी ही आएगी जैसे उसे आना चाहिए और उसका वैल्यू हमेशा आएगा आई जीरो बाई रूट टू यानी कि पीक डिवाइडेड बाई रूट टू और इसी चीज को अगर हम ई e के लिए लिखें बेटा तो याद रखो ई आर एम एस हो जाएगा ई एम एफ का पीक डिवाइडेड बाई रूट टू क्या मेरी बात सबको अच्छे से समझ में आ रही है इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है मन में अगर थोड़ा भी डाउट हो थोड़ा भी शक हो नहीं समझा आर एम एस अभी भी नहीं समझा क्या वो डी होता है क्या ऐसा कुछ भी डाउट है तो पूछो मुझे मैं एक्सप्लेन करता हूं फिर ही हम आगे बढ़ेंगे अगर तो सब कुछ क्लियर है तो जल्दी से आंसर कर दो सर क्लियर हो गया क्योंकि फिर आगे चैप्टर अटक जाएगा अगर ये सारी चीजें नहीं आएंगी तो यस इज एवरीथिंग क्लियर मैं आप लोगों से क्वेश्चन कर रहा हूं इज एवरीथिंग क्लियर ओके, बॉयज़ में, बिकॉज बहुत बच्चे परेशान रहते हैं इसमें आर एम एस नहीं समझा सर रिपीट वंस अगेन ओके फिर एक बार रिपीट करता हूं गौर से सुने ना इस बार मैं थोड़ा शॉर्ट में बोलूंगा इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हमेशा बदलती रहती हैं, ठीक है ये जो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हैं या जैसे कॉइल रोटेट कर रहे हैं जिसकी वजह से ईएमएफ बना था या करंट बना था ये हमेशा बदलता रहता है अब आपसे मैं एक छोटा सा सवाल कर रहा हूं कि इंस्टेंटेनियस वैल्यूज या इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस बना के आपने मुझे करंट सप्लाई करना है तो मैं आपसे पूछता हूं भाई कितने वोल्टेज आप मुझे देना वाले देने वाले हैं कितना वोल्टेज का सप्लाई आप मुझे प्रोवाइड करेंगे तो आप मुझे कहते हैं आ, हम ई जीरो इतना आपको देंगे तो मैं बोलूंगा आप तो अधूरी बात बता रहे हैं बीच में जीरो भी आ रहा है तो आप खाली पीक बताते क्या ऐसा मत करो टोटल बता दो एवरेज बता दो फिर जब आप इसका फुल एवरेज निकालते हैं तो आंसर जीरो आ जाता है तो फिर आप ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि हम आपको जीरो दे रहे हैं फिर जब आप इसका हाफ साइकिल एवरेज निकालते हो हाफ साइकिल तो उसका आंसर आपको मिलता है टू बाई पाईरो फिर मैं बोलूंगा रिमेनिंग हाफ का क्या हुआ ये तो अधूरी बात हुई ना तो जब कभी भी एसी की एक पर्टिकुलर वैल्यू हमको रिप्रेजेंट करना है तो हम मुश्किल में फंस रहे हैं हम कोई एक स्पेसिफिक नंबर दे नहीं पाते स्पेसिफिकेशंस आधे अधूरे रहते हैं तो हमने क्या किया अब मैं कुछ क्वेश्चन करूंगा तो आप बताएं जरा हमने क्या किया हमने देखा कि हम सेम वर्कडन के हिसाब से सोचते हैं एक डायरेक्ट वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं यूनिफॉर्म वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू का डीसी वर्ड हटा दो थोड़ी देर से जहन में अगर तुम्हारे डीसी से तकलीफ हो रही है तो यूनिफॉर्म वैल्यू ऐसा वर्ड इस्तेमाल करो डीसी कट करते हैं नहीं तो तुम सोचेंगे डीसी है क्या ऐसे सोचो कि कॉन्स्टेंट वैल्यू यूनिफॉर्म वैल्यू कॉन्स्टेंट वैल्यू तो हमने क्या किया कि एक स्लैब लिया हम जानते हैं कि करंट फ्लो कराए तो हीट होता है हीटिंग इफेक्ट होता है तो मैं एक एग्जाम्पल के जरिए समझा रहा हूं और तीसरी बार समझा रहा हूं तो हमने एक स्लैब लिया और स्लैब लेके उसमें अल्टरनेटिंग करंट को फ्लो कराया टी टाइम तक स्लैब का रेजिस्टेंस आर था क्यू हीट उसमें डेवलप हुई ठीक यहां तक ओके okay? yes. फिर हमने यूनिफॉर्म करंट का इस्तेमाल किया कांस्टेंट करंट का अब आम तौर पर चूंकि हम कांस्टेंट करंट को डीसी बोलते हैं इसलिए वहां डीसी लिखा जाता है तो डीसी जहन में मत लाओ नहीं तो तुम बोलेंगे एसी को डीसी बना के हमारे सामने चिपका रहे ऐसा नहीं कॉन्स्टेंट करंट का हमने इस्तेमाल किया यूनिफॉर्म वैल्यूज ऑफ करंट का हमने इस्तेमाल किया उतने ही टाइम तक करंट को फ्लो कराना है जितना पहले कराया था वैसा ही रेजिस्टेंस इस्तेमाल करना है और उतनी ही हीट डेवलप करनी है सेम हीट तो ऐसा करने के लिए मुझे कुछ करंट फ्लो कराना पड़ेगा ना भाई पांच एम्पियर दस एम्पियर पंद्रह एम्पियर कुछ तो कराना पड़ेगा ना फाइव टेन ट्वेंटी थर्टी एम्पियर कुछ तो करंट फ्लो कराना पड़ेगा हाँ या ना तो ये जो करंट कांस्टेंट वैल्यू का मैं फ्लो कराता हूं जिसके जरिए मैं उतना ही हीट उतने ही टाइम में डेवलप कर पाता हूं जितना के मैं एसी करंट फ्लो कराने की बात कर पाता था तो ये जो करंट यहां मुझे मिला जिससे मैंने वही काम लिया जैसा कि एसी करंट से मैं काम ले पा रहा था अब ये दोनों इक्विवेलेंट हो गए ना बराबर हो गए ना दोनों क्योंकि दोनों ने काम तो सेम किया दोनों ने हीट तो सेम प्रोड्यूस की yes. बोलो हाँ ना बोलो जल्दी हाँ या ना यस yes. तो इस यूनिफॉर्म वैल्यू ऑफ करंट को मैं कह सकता हूं कि ये इस एसी का आर है समझे ठीक है जिसने डाउट पूछा था मैसेज में ठीक है ये यूनिफॉर्म करंट का वैल्यू मैं कह सकता हूं कि ये इस एसी का आर है अब मुझे वैल्यू बताना है एक बल्ब पे मुझे लिखना है कितने एम्पियर पे ये काम करता है तो मैं कौन सी वैल्यू लिखूंगा आरे नहीं नहीं। क्योंकि वो कॉन्स्टेंट वैल्यू है फिक्स एक ऐसी वैल्यू बता रहा है फिर आप बोलेंगे सर हम दे रहे हैं फ्लक्चुएटिंग लेकिन जो ये फ्लक्चुएटिंग वैल्यू कर सकती है तो कोई धोखा नहीं दे रहे ना गलत बात तो नहीं बता रहे ना मिसलीडिंग पॉइंट तो नहीं बता रहे ना हम कि भाई हमारा करंट कम ज्यादा कम ज्यादा होता हुआ आएगा लेकिन तकरीबन तकरीबन तुमको जैसे हंड्रेड एम्पियर का करंट कम जादा, कम ज़्यादा ज़्यादा होता हुआ आएगा लेकिन तुमको ये तक्रीवन, तक्रीवन 70 मिलेगा, तो मैं माइनस और सेवेंटी यहीं से इस्तेमाल कर रहा हूँ आई जीरो बाई रूट टू ये सेवेंटी पॉइंट सेवन यहीं से यूज कर रहा हूं बात समझे ठीक अब फिर इसका मैथमेटिकल इवैल्यूएशन करना है ये तो मैंने फॉर्मूला आपको पहले बता दिया फिर मैथमेटिकल इवैल्यूएशन जब हम करते हैं तो यही चीज मैं यहां पे प्रूफ करता हूं अब ये मैथमेटिकल इंटीग्रेशन तो आपको मैं समझा दिया मैं उसको रिपीट नहीं करता हूं। ये आप पढ़ के भी समझ सकते हैं ठीक हो गई बात एकदम अच्छे से यस वॉइस वॉइस की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया यस yes? जी सर ओके चलिए अब कुछ क्वेश्चंस हैं वैसे मैंने प्लान किया था कि आठ-दस क्वेश्चन आज ले लें लेकिन अब जितने होते हैं उतने पहले कर लेते हैं पूरे फिर उसके बाद देखेंगे बट आई डोंट वांट एनीथिंग टू बी कॉन्सेप्टुअली लेफ्ट बिहाइंड ठीक बाकी इसके मैथमेटिकल इवैल्यूएशन चैप्टर में और आगे आते जाएंगे चलिए तेजी से क्वेश्चन करते हैं x सप्लाई है e e0 e sin अब की जगह ये फैक्टर आ गया है जरा ख्याल रखें इस कनेक्टेड रेजिस्टेंस ऑफ़ ओम कैलकुलेट पीक पीक वैल्यू 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 किसका निकालना करंट का वोल्टेज वोल्टेज का का तो कुछ बोला नहीं अब मैं अगर का पीक वैल्यू निकालना चाहता हूँ साइन ओमेगा बताइए खत्म अगर मैं ई आर एम एस फाइंड आउट करना चाहता हूं तो आंसर क्या होना चाहिए है है अपना होता है और इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है थ्री हंड्रेड से आप बोले आंसर क्या हुआ तेजी से बताएं जरा टू वन टू ओके टू हंड्रेड एंड ट्वेल्व ये हो गया बेटा टू हंड्रेड एंड ट्वेल्व वोल्ट अब फिर एक बार इस बात को रिपीट करते हैं साइनोसाइडल okay. फॉर्म में फ्लक्चुएटिंग फॉर्म फॉर्म में अल्टरनेटिंग तीन सौ वोल्ट से जो मैं काम कर सकता हूं 300 वोल्ट से क्या एक्जैक्टली exactly उतना ही वर्क एक्जैक्टली उतनी पावर डिलीवरी मैं कांस्टेंट वैल्यू ऑफ 212 से कर सकता हूं yes. समझे कि नहीं समझे yes, हाँ. तो अगर थ्री तो तो हंड्रेड पीक है क्या पीक हमेशा रहेगा क्या नहीं। ये ये फंक्शन के हिसाब से तो ये जीरो पे भी आएगा थोड़ी देर से हम्म। तो फिर अगर तीन सौ बोल दूं तो मैं सामने वाले को धोखा दे रहा हूँ ना स्पेसिफिकेशन गलत बता रहा हूँ ना वो तो मिसलीड कर जाएगा वो बोलेगा मेरे को 300 का वैल्यू मिलने वाला है लेकिन 300 का एक्चुअल कहाँ मिल रहा है तो हमने क्या किया कि 300 फ्लक्चुएटिंग से ओवरऑल जो वो काम कर सकता है ओवरऑल जो पावर डिलीवरी वो कर सकता है उसका इक्विवेलेंट हमने निकाला कांस्टेंट और ये कितना है 212 तो हम बताते वक्त बताएंगे बेटा हम तेरे को 212 दे रहे हैं फर्क समझो हालांकि दे कितना रहे हैं उसको 300 हंड्रेड जीरो माइनस थ्री प्लस थ्री जीरो ये दे रहे हैं उसको hmm. फ्लक्चुएट करता हुआ 300 के बीच में दे रहे हैं उसको लेकिन टू हंड्रेड एंड से भी हम वही काम लेंगे जो ये 300 फ्लक्चुएटिंग से आ रहा है वही वर्क वही पावर डिलीवरी लेंगे हम गेटिंग इट राइट ये होता है आर ठीक है ना

साइनोमेगा आई की जगह हमको चाहिए आई आर एम एस इज इक्वल टू आई जीरो साइन टू पाई एफ टी राइट जा रहे हैं। hmm. क्योंकि उसकी वैल्यू को जो है ना हमको इतना करना है जीरो से आरएमएस तक जाना है फीक आर एम एस है उसका उसके लिए फिर हमको टाइम निकालना है इन सेंस आई वांट टू से आर एम एस तक पहुंच जाए गलत नहीं हूं तो ये हो गया आई जीरो yes. से आई जीरो अब ध्यान से देखो इक्वेशन में ऐसे लिख रहा हूं साइन ऑफ हंड्रेड पाई टी इज इक्वल टू वन बाई रूट टू जरा सोचो कि साइन का एंगल वन बाई रूट टू कब होता है इसका इसका मतलब इसका एंगल जो पाई टी है वो होना चाहिए क्या पाई पाई पाई। कहते हो पाई पाई कैंसल. तो पता चलता है कि टाइम टी इज इक्वल टू वन बाई सेकेंड इतनी देर में ये जीरो से आरएमएस तक पहुंच जाएगा क्योंकि जब ये जीरो पे था तब तो टाइम जीरो ही था तो इतनी देर में ये जीरो से आरएमएस पहुंचेगा आगे ना समझ में कैसे सॉल्व किया ओके आई होप सो आइए और एक देखते हैं ये कॉइल ऑफ 200 टर्न्स ईच ऑफ एरिया इज गिवन

ट्वेंटी आरपीएस तो पीक वैल्यू निकालो और बाद में आरएमएस वैल्यू निकालो पीक वैल्यू आरएमएस वैल्यू तो बेटा पीक वैल्यू जो हम लोग निकालते हैं ई जीरो तो पता होगा वो होती है एन ए बी ओमेगा क्या कहते हो yes. अभी अभी पढ़ा था हमने तो ये हो गया टू हंड्रेड एरिया जीरो पॉइंट जीरो टू मैग्नेटिक फील्ड फोर इंटू टें पावर माइनस टू ओमेगा टू पाई एफ बात को समझो लेट मी अगेन फोर इंटू टेन द पावर माइनस टू टू पाई फ्रीक्वेंसी कितनी है ट्वेंटी निपटा दो भाई ये दोनों जीरो चले गए ये माइनस टू चला गया सॉल्व करके बताओ ट्वेंटी यस yes? कितना रहा है? टू पाई ट्वेंटी मल्टीप्लीकेशन करो ना भाई फटाफट जब तक मैं आगे का क्वेश्चन लेता हूं कितना है आंसर सर अरे बोलो भाई ट्वेंटी पॉइंट वन अच्छा इजी ट्वेंटी कैलकुलेशन कर लिया तुमने पूरा तो ठीक है ट्वेंटी वोल्ट मान लेते हैं इन अप्रोक्सीमेशन अब इसमें साथ साथ इसका आर भी निकालना है सो so, फॉर्मूला बोलो क्या होगा सही है सो दिस इज ट्वेंटी डिवाइडेड बाय रूट टू विच वी कैन राइट जीरो पॉइंट सेवन जीरो सेवन मल्टीप्लाइड बाय ट्वेंटी In approximation 14. Correct? Yes. अब फिर पूछ रहा हूं मैं, क्या मतलब है इसका Peak 20 और RMS 14 का मतलब क्या है कोई बोलना चाहेगा same work. Yes. आ, दोनों से जो पावर डिलीवरी होगी वो सेम होगी और हमको पावर डिलीवरी से मतलब है ना कितना पावर डिलीवर हो रहा है उसी से मतलब है ना क्योंकि जो भी अप्लायंस हमारा है वो तो पावर कंज्यूम करेगा तो अगर हम ये कहते हैं कि हम तुमको ट्वेंटी वोल्ट का uh, से फ्लक्चुएट होने वाला ई एम एफ ट्वेंटी हर्ट ही है ना फ्रिक्वेंसी इसकी तो ट्वेंटी हर्ट से फ्लक्चुएट होने वाला ट्वेंटी वोल्ट का ई एम एफ दे रहे हैं इसकी बजाय सिर्फ इतना बोल दो ना वोल्ट दे रहे हैं लगातार तुझे? बात तो एक ही है समझे सब घाटा और मुनाफा सब हटा करके सीधे सीधे फोर्टीन बोल दो कम ज्यादा ये वो फ्रीक्वेंसी फ्रिक्वेंसी बोलने की जरूरत ही नहीं है यही मामला खत्म कर दो अच्छा ये देखें क्वेश्चन नंबर फोर बड़ा इंटरेस्टिंग है आज के लिए आखिरी